प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के लिए हुए चयनित अभ्यर्थियों को अंततः गुरुवार को नियोजन पत्र मिल गया है। सोनो में नियोजन पत्र बुधवार को ही मिलना था, लेकिन संबंधित पदाधिकारी की अत्यधिक व्यवस्था के कारण महज 4-5 अभ्यर्थी को ही नियोजन पत्र दिया जा सका था। शेष बचे अभ्यर्थी और उनके परिजन ने बुधवार की शाम बल्थर विद्यालय के समीप नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क जाम कर दिया था। बता दें, मंत्री सुमित सिंह की पहल, न सिर्फ अभ्यर्थी सड़क से हट गए बल्कि दूसरे दिन गुरुवार को अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र भी मिल गया। बुधवार को नियोजन पत्र से वंचित कुछ अभ्यर्थी व उनके साथ आए लोग बल्थर के उसी विद्यालय में रात गुजार दिए। दूसरे दिन गुरुवार को उन्हें नियोजन पत्र प्राप्त हुआ। जमुई की प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बुधवार को विधिवत सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना था, परंतु विलंब से पहुंचे पदाधिकारी द्वारा महज 4-5 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देकर वापस चले जाने से मौके पर मौजूद अभ्यर्थी और उनके परिजन नाराज और आक्रोशित हो गए। नियोजन पत्र नहीं मिलने से हतप्रभ और निराश अभ्यर्थियों को उनके साथ आए परिजन शाम में NH 333 खैरा सोनो मुख्य मार्ग पर बैठ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। जामे सूबे के विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह का काफिला भी फंस गया। आपको बता दें, नियोजित शिक्षकों ने 24 फरवरी को अहले सुबह टेलीफोन के जरिए आदर्श भारत टीवी से बातचीत की और नियोजित शिक्षकों ने आदर्श भारत टीवी के साथ अपनी समस्या को साझा किया। तो हमारे आदर्श भारत टीवी के टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर हमारी टीम ने जिला शिक्षा अधिकारियों से बातचीत की। वहां जीरो ग्राउंड पर शिक्षा विभाग के DPO DPRO पहुंचकर आदर्श भारत टीवी की टीम की मौजूदगी में सभी नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अलीगंज ब्लॉक से जी प्रति मिल गया है, ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी हम लोगों ने मेहनत किया था आज उसका फल सही समय पर हम लोगों को मिला है। और जो शिक्षक का जो कर्तव्य है आज हमारा, जो भी हमारा स्कूल में नियुक्ति मिला है उसमें जा करके हम लोग ईमानदारी पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और सोनो प्रखंड को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप इसके अभी क्या करते थे? अभी जस्ट लेके प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और आज सरकारी मिला है। सरकारी प्राइवेट में अब अंतर समझ में आएगा ना? जी, अब थोड़ा सरकारी का भी समझ में आएगा। प्राइवेट में तो काम किए हैं लेकिन सर जी, सर हम यहीं जमुई के ही हैं। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा सर, एकदम सर, हम एकदम ईमानदारी से सर बच्चों की शिक्षा देंगे सर। बहुत इसके लिए हम सर बहुत प्रयासरत थे एकदम शुरू से ही सर। अच्छा, आपके माता पिता आप क्या सोच रहे थे? सर हमारे माता पिता सोच रहे थे कि कम से कम जो है ऐसा काम करिए जिससे हमारे समाज को कुछ ऊंचाई तक पहुंचा सके। अभी लेटर ले जाकर सबसे पहले काम क्या करिए? सर पहले हम माता पिता को सर समर्पित करेंगे और ये करेंगे। सर आप अपने माध्यम से दे रहे हैं अपने मौजूदगी में, इससे पहले लोग बहुत वेट भी किए, आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूँकि एक BPRO को 4 प्रखंड मिल गया था, तो 4 प्रखंड मिलने के कारण उनको 3-4 घंटा करके हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इसी क्रम में किसी नियोजन इकाई को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, जो अभ्यर्थी हमारे हैं उनको दिक्कत हुआ था, लेकिन मैंने हमेशा इन लोगों को कहा है कि आपका नियुक्ति पत्र समय पर मिल जाएगा। आप तो आज अपने माध्यम से सबको दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मेरा इन लोगों से अनुरोध होगा कि जो एक अब आज से ये लोग हमारे राष्ट्र निर्माता हो जाएंगे। अभी तक एक जन सामान्य आदमी नागरिक थे। राष्ट्र निर्माता का कर्तव्य होता है कि ये अपने अंदर जो इनका शिक्षा है तो ये विद्यालय में लाएंगे और ऐसे नागरिक को पैदा करेंगे जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभावे। वहीं फिलहाल की खबरों को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम खबरों को लाइक करें। YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत TV चैनल को सब्सक्राइब करें।